तो जो यहाँ पर मालिक है, ओनर है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम भी है यहाँ पर और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे एक बार वाईके गुप्ता जी क्या कुछ। सर ऐसा है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, दिलावर सिंह है इसका नाम और यह हर रोज बोतलें मांगता है, 3,000 वाली बोतलें फ्री पीता है। करनाल का एक भी ठेकेदार ऐसा नहीं है जो मना कर दे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये बस स्टैंड पर जो ठेका है उसके साथ आहाता है और यहाँ पर तमाम लोग बैठकर शराब पीते हैं और सीएम फ्लाइंग की टीम भी साथ में पहुंची है। क्या कुछ जानकारी है तफसील से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीमें पहुंची हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल में बस स्टैंड पर एक ठेका है, ठेके के साथ आहाता है। क्या वो मंजूरी से चल रहा है, क्या वो बिना मंजूरी के चल रहा है? क्या कुछ पूरा मामला है सर, किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या पता चला था? किस लिए पहुंचे थे सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी? ऐसा सूचना मिली थी, हमने भैया का चला हुआ बगैर पुलिस के, इसलिए हम पहुंचे हैं, जो जायज कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर है ये आता सर? ये आता बस अड्डा, जो ओल्ड बस अड्डा उसके सामने ठेका है, उसके साथ में। तो क्या नहीं है, परमिशन नहीं है सर? परमिशन नहीं है अभी तो, बता रहे परमिशन नहीं है, देखने को बुलाएंगे इसको। तो अगर नहीं मिलता तो कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी? कार्रवाई अभी जाँच चल रही है, जाँच होने के बाद कार्रवाई करेंगे। तो करनाल में और भी आते चल रहे हैं सर? अभी पता नहीं है, अभी सूचना मिलेगी। तो आपके साथ सीएम फ्लाइंग की टीम भी है? हाँ जी हाँ। बिना परमिशन के चल रहा है सर ये? सर पता नहीं, मैं तो यहाँ सर्विस कर रहा हूँ सर। हेलो, एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स क्या है वो तो मुझे बता दें। तो यहाँ पर बैठ के लोग शराब पीते हैं? हाँ जी पीते ही जी, बाहर बोर्ड लगा हुआ आता आता। अच्छा, अब कोई नहीं है, सारे भाग गए? भाग नहीं गए, बंद करवा दे, बंद करा दे, कोई कार्रवाई हो तो मैं देखो बंद करा देता हूँ। कोई इसकी परमिशन वगैरह पता होगा जिनके पास, हम तो सर्विस नहीं, अभी इन्होंने फोन ले लिया सर, तो खुद फोन। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे ही पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पर पहुंचती है, वैसे ही तमाम लोग जो इस अहाते में बैठकर शराब पी रहे थे वो यहाँ से चले जाते हैं। और फिलहाल जो यहाँ के इस अहाते को चला रहे थे उस व्यक्ति को एक बार पूछताछ के लिए थाने में लेकर जाया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस स्टैंड पर ठेका है, ठेके के साथ आहाता है, क्या इस आहाते की परमिशन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। क्या परमिशन है, क्या मंजूरी है? अगर मंजूरी है तो फिर छोड़ा जाएगा या पूछताछ की जाएगी, अगर मंजूरी नहीं है तो फिर क्या कार्रवाई रहती है, वो सब कुछ एक प्रयास किया जाएगा पुलिस की तरफ से पता लगाने का। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल में आज पुलिस और सीएम फ्लाइंग की तरफ से रेड की जाती है। बस स्टैंड के पास जो अहाता है, अहाते के साथ एक जो ठेका है, ठेके के साथ जो आहाता है, वहाँ पर ये सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीम पहुँचती है। आहाते के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि शराब की बोतलें यहाँ पर हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर बैठ के लोग शराब पीते हैं, खाना मंगवाते हैं और जैसे ही सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीमों को जानकारी मिलती है तो उसके बाद यहाँ से तमाम लोग जो है वो भाग जाते हैं। और फिलहाल जो इस पूरे अहाते को चला रहे हैं मैनेजर, उनको पूछताछ के लिए पुलिस लेकर जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल में और जगह भी इस तरीके से अहाते जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंचती है, साथ ही साथ पुलिस की टीम पहुंचती है। क्या अहाता
परमिशन से चल रहा था या बिना परमिशन के चल रहा था ये पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल अहाता चलाने वाले जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्हें लेकर पुलिस जाती हुई नजर आ रही है। और बकायदा यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है कि हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अहाता, लेकिन कोई परमिशन के कागजात वगैरह यहाँ नहीं मिले हैं फिलहाल तो, लेकिन पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कागजात हैं या नहीं हैं, और पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ से लेकर जाती हुई नजर आ रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम भी साथ में है, पहले भी कई बार अलग अलग जगह सीएम फ्लाइंग और पुलिस मिलकर छापेमारी करती है, अलग अलग फैक्ट्रियों में जाती है, वहाँ पर रेड करती है, जो लाइसेंस नहीं होता है जिनके पास उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कई बार सील भी कर दिया जाता है। पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तो जो यहाँ पर मालिक हैं, ऑनर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, सीएम फ्लाइंग की टीम भी है यहाँ पर और बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे एक बार वाईके गुप्ता जी क्या कुछ। सर ऐसा है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, दिलावर सिंह है इसका नाम और यह हर रोज बोतलें मांगता है, 3,000 रुपये वाली बोतलें फ्री पीता है। करनाल का एक भी ठेकेदार ऐसा नहीं है जो मना कर दे, हर एक को इसने चूना लगा रखा है। अगर हमने फीस नहीं भरी, फीस की एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, आज हम इसकी फीस भरना चाहें गवर्नमेंट एक्साइज डिसाइड नहीं कर पाई कि फीस किसकी फेवर में भरनी है, आता चलाने वाले ने भरनी है या ठेकेदार ने भरनी है। मैंने इनको प्रोविजनली ये कह के कि इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, इस आदमी ने अपनी निजी रंजिश निकाली है। सीएम फ्लाइंग से दिलावर सिंह इसका नाम है, मेरे पास इसकी 100 रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ये फोन पे देख सकते हैं। इनका एक एक आदमी फोन कर रहा है कि मेरी वीडियो वायरल मत करना। तो आपसे फोन पे दारू मांगते हैं? फोन पे मांगते हैं, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है। और कोई भी ठेकेदार एक भी ऐसा नहीं है जो बाजार में ये कह दे कि मैं इसको दारू नहीं देता। बंबू राणा फांसी लेने को तैयार हो गया था इसके चक्कर में, उसने फंदा लगा लिया था इससे तंग आके, मैंने उतरवाया उसको। क्या पुलिस वाले भी फोन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करते, एक कंसेशन बनता है वो कंसेशन पर जरूर ले लेते हैं ओकेजनली, नॉर्मली हम लोग दुकानों पर नहीं होते। जब हम दुकानों पर ही नहीं होते उनको पता नहीं किसकी है ये, लेकिन जब सामने हम खड़े हैं तो चलो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है वो फ्री में इसके अलावा मांगता हूँ। तो फिलहाल सिर्फ मैं सारी सीएम फ्लाइंग का नाम नहीं लेता, सिर्फ एक आदमी का नाम लेता हूँ जिसका नाम है दिलावर सिंह। सेक्टर 12 वाले ने भी उसको नाथी थी, हमने आपस में डिस्कस किया, अभी वो चल रही है, वहाँ भी इसी तरह की रेट चल रही है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा, फिलहाल आता बंद कर दिया है। कल हम सरकारी फीस अपने DTC महोदय से पूछेंगे, जो बनती है भरेंगे। जब हम करोड़ों रुपए भर सकते हैं, क्या हफ्ते की यही बड़ा सवाल है, जब आप इनके 10-10 करोड़ रुपए ठेके के भर सकते हैं तो आप अहाते के पैसे हम ये 5-7 लाख रुपए नहीं भर सकते? पूरे हरियाणा में आप चेक करिए, अगर हरियाणा में 800 ठेके हैं तो कितनों की फीस भरी गई है? ये एक डिस्प्यूटेड मामला है जो सुलझने में अभी आ नहीं रहा है। हमारी 1% फीस तय है, उसको गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर पा रही कि 4 दुकान की है या 1 दुकान की है। इस आदमी ने मेरा जुलूस निकालने के लिए जान कैसा किया है। आज से 2 संडे पहले मैंने इसको बोतल के लिए मना किया था और ये 10 साल से मेरी दारू पी रहा है। क्या फ्री में बोतल मांगी? फ्री में 10 साल से ये मेरी फ्री में दारू पी रहा है। कब तक पिलाए इसको दारू? ठेके इतने महंगे हो गए, कहाँ से पिलाएं? रीगल ब्रांड पीता है जी ये, हर एक L1 पे जाता है। बस इससे ज्यादा किसी के लिए और नहीं कहना चाहूंगा।